हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास, टुडे आई गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स पार्ट टू चैप्टर नंबर वन, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, आज हम लोग फिजिक्स पार्ट टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस you about electric charge. Seeing a spark or hearing a crackle when we take off our centric cloth, particularly in dry weather, this is almost inevitable with ladies garments like a polyester sarees. Have you ever tried to find any explanation for this phenomenon? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the कॉमन सी इन द स्काई ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म। ओके, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक आइदर वाइल ओपनिंग द डोर ऑफ ए कार और होल्डिंग द आयरन बार ऑफ बसलिंग फ्रॉम आवर सीट। द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी which were accumulated due to rubbing of insulating surfaces. You might have also heard the this is due to generation of static electricity. Okay, तो स्टूडेंट्स, अभी प्रायः सभी लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा या देखा होगा कि जब किसी भी सिंथेटिक कपड़े जैसे कि स्वेटर या फिर पार्टिकुलरली ड्राई वीदर में आपने देखा होगा कि उनसे अगर कोई भी चीज़ इवन हमारा नाखून ही है तो उसमें से एक स्पार्क जैसी आवाज़ आती है या उसमें से हल्की सी चिंगारी जैसी नज़र आती है। तो ऐसा जो है जनरली पॉलिएस्टर साड़ी जो कि लेडीज़ गारमेंट पॉलिएस्टर साड़ी के साथ भी कभी कभी होता है, उसमें से नाखून के रगड़ने से या फिर उसमें एक स्पार्क जैसी जो है साउंड सुनाई देती है और अगर उसे अंधेरे कमरे में करेंगे तो फिर हमें उसमें हल्की सी प्रतीत होती है। ओके, और इसके अलावा क्या अभी कभी आपने इसके बारे में इस प्रक्रिया के बारे में सोचा कि ये क्या है या इसे और खोजने का प्रयास किया? इसके अलावा नेचर में कुछ ऐसे कॉमन एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि जब आसमान में बिजली कड़क रही होती है तो उस दौरान हमें वहाँ से बिजली के चमकने की आवाज़ भी दिखाई देती सुनाई देती है और उसकी चमक भी प्रतीत होती है। और इसके साथ ही साथ हम सभी ने जो है इलेक्ट्रिक शॉक का भी अनुभव किया होगा, चाहे वो इसमें हुई हो या फिर किसी इलेक्ट्रिक आयरन बार को पकड़ते समय हुई हो। ओके, द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू आवर बॉडी। तो इसका कारण ये है कि हमारी बॉडी से जो चार्ज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज हैं वो जब डिस्चार्ज होते हैं तो ऐसा हमें अनुभव या किसी भी इंसुलेटिंग सरफेस से अगर हमारी बॉडी रब हो जाती है, रगड़ सी जाती है तो हमें एक झंझनाहट सी महसूस होती है। इसके अलावा अपने इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में भी कुछ ऐसी ही आवाज़ें सुनी होंगी। प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर, स्टैटिक मीन्स एनी थिंग दैट डजेंट मूव और चेंज विद टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट चार्ज। हिस्टोरिकली द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट दैट अम्बर रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट गोज टू थेल्स ऑफ माइल्टस ग्रीक अराउंड 600 BC, द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर।
many such pairs of materials which on rubbing would attract light object like straw, pith balls and bits of paper. You can perform the following activity at home to experience such an effect. ओके तो स्टूडेंट्स ऐतिहासिक रूप से इलेक्ट्रिक चार्ज की खोज का जो श्रेय है वो मिलेटस के थेल्स को जाता है जिन्होंने करीब 600 BC पहले ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज सिल्क क्लॉथ या फिर उलेन क्लॉथ को किसी अंबर नामक लकड़ी से रब करके इसकी खोज की थी और ये इलेक्ट्रिसिटी वर्ड एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है अंबर एक प्रकार की एक लकड़ी होती है ओके जो माउंटेन रीजन या हिली एरियाज में पाई जाती है नहीं डर मैनी सच पेयर ऑफ मटेरियल्स वर नोन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रॉ पिथ बॉल एंड बिट्स ऑफ पेपर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट स्ट्रॉ यानी खरपतवार पिथ बॉल्स या बिट्स ऑफ पेपर इत्यादि इन सभी ऐसे प्लास्टिक स्टिक से अगर प्लास्टिक स्टिक जैसे कि पेन को अपने बालों में रब करके अगर कागज़ के टुकड़े के पास हम ले जाते हैं तो कागज़ का टुकड़ा उस पर चिपक जाता है ओके तो इस तरह की और भी आप अपने घर पे कर सकते हैं जिससे आप इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगा सकते हैं ओके तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक पतले से वाइट कलर के पेपर की स्ट्रिप लेनी है और एक पतला सा आयरन रॉड भी लेना है ओके एंड टेक देम नियर अ टीवी स्क्रीन ऑन कंप्यूटर मॉनिटर यू विल सी द स्ट्रिप गेट अट्रैक्टेड टू स्क्रीन इन फैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर ए वाइल अब धीरे धीरे उसे टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के कंप्यूटर मॉनिटर के पास ले जाना है और जैसे ही आप उस स्ट्रिप को ले जाते हैं स्क्रीन के पास तो आप देखते हैं कि स्ट्रिप जो है इसी कागज़ की जो स्ट्रिप है वो स्क्रीन की तरफ आकर्षित हो जाती है मतलब खींच ली जाती है तो वास्तव में ये जो स्टक होता है ये प्रहार होता है स्क्रीन के द्वारा वो क्या है एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड रब्ड विद वूल आर सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे दो ग्लास रॉड को वूल या फिर सिल्क क्लॉथ से रब करें और दोनों को एक दूसरे के करीब लाएं तो ये दोनों एक दूसरे को दूर हटाते हैं ओके द टू स्ट्रैंड ऑफ वूल आर टू पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ विद विच द रॉड्स वर रब ऑल्सो रिपेल ईच अदर अगर हम इन्हीं दोनों ग्लास राड को किसी सिल्क क्लॉथ के टुकड़े से रब करते हैं तो उसके बाद इन दोनों को आपस में करीब लाते हैं तो भी ये दोनों एक दूसरे को दूर हटाने का प्रयास करते हैं हाउएवर द ग्लास राड एंड वूल अट्रैक्टेड ईच अदर जबकि अगर उस रॉड ग्लास राड को वूल के पास ले जाएं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं इसी प्रकार से अगर प्लास्टिक राड को किसी बिल्ली की खाल के ऊपर अगर रगड़ दिया जाए तो ये दोनों भी यानी बिल्ली की खाल यानी इसके जो फर होते हैं वो और ये प्लास्टिक रॉड ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बट अगर हम इसी को दूसरे रेस्पेक्ट में देखें कि दोनों प्लास्टिक रॉड को इस बिल्ली की जो है फर से अगर रब कर देते हैं और उसके बाद आपस में एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ये दोनों रॉड एक दूसरे को दूर हटाते हैं इसी तरह से If a plastic rod rubbed with fur is made to touch two small pith ball, nowadays we can use polystyrene balls suspended by silk or nylon thread. Then the balls repel each other and are also repelled by the rods. Okay? तो स्टूडेंट्स यदि हम प्लास्टिक रॉड को बिल्ली के इस खाल से रब कर दें और दो छोटे छोटे पिथ बॉल्स या आजकल जिसे हम पॉलीस्टाइरीन बॉल के रूप में यूज करते हैं
कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों बॉल्स को सिल्क या नायलॉन धागे से बांध करके फ्रीली लटका देते हैं, और उसके बाद फिर उस प्लास्टिक राड को बिल्ली की खाल से रब करके उस ग्लास उस बॉल के पास ले जाते हैं। तो ये बॉल इसको एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, मतलब दूर हटा देते हैं, क्योंकि ए सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इफ द पिथ बॉल आर टच्ड विद ए ग्लास रॉड रब विद सिल्क। ए ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट अ पिथ बॉल टच्ड विद प्लास्टिक रॉड। पहले जो पिथ बॉल है इसके के फर से रब कर दें, और प्लास्टिक रॉड है उसको भी बिल्ली की फर से रब, और दोनों फिर उसके बाद ग्लास रॉड को अगर हम सॉरी प्लास्टिक रॉड को उस पिथ बॉल के करीब ले जाएं, उस रॉड को दूर हटाते हैं। बट अगर हमने जो सेकंड बॉल लिया है उसको बिल्ली के फर से ना रब करें, उसको ना रगड़ें, केवल प्लास्टिक रॉड को बिल्ली की खाल से रब करके यानी रगड़ करके उसके बाद से करीब ले जाते हैं, तो ये दोनों एक दो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट करके ये दो सेम प्रकार का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब होते हैं, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स कि जो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं बट अनलाइक चार्ज। एक्सपेरिमेंट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द चार्जेस आर ट्रांसफर फ्रॉम द पिथ बॉल ऑन कॉन्टैक्ट। इट इज सेड दैट द पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड आर डिस्चार्ज आर चार्ज्ड बाय कॉन्टैक्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि जो चार्जेस होते हैं ड्रॉ करके होते हैं, और इस हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पिथ बॉल है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है या फिर उसके कॉन्टेक्ट में आने से चार्ज्ड हो जाता है। ओके, अगर हम यूं कहें कि जो ग्लास पिथ बॉल पर चार्ज्ड हो जाती है, और इस चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी। और दो विभिन्न प्रकार के पे उपस्थित जो चार्ज हैं वो एक दूसरे में अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो इस तरह के जो ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क द रॉड रिक्वायर्स वन द सेकेंड काइंड ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट अगर हम ग्लास रॉड एक प्रकार का चार्ज उत्पन्न होता है तो वहीं सिल्क जो उसी का बिल्कुल अपोजिट होता है। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल बी इलेक्ट्रीफाइड। और ये हर ऐसे एक जोड़ी ऑब्जेक्ट एक ही प्रकार से एक चीज़ों पर रब किया जाता है। तो नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सिल्क विद विच हम दे नो लॉन्गर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसी प्रकार से अब यदि हम ऐसी दो ग्लास रॉड जो इलेक्ट्रीफाइड हों आते हैं, ठीक है, जिससे कि इसको रब किया गया था, जिस तो ये दोनों एक दूसरे को दे ऑल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रिफिल अदर लाइट ऑब्जेक्ट एज दे डिड नॉट ऑन बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। दोनों एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिफिल करते हैं, और ठीक है हाँ ओके। नाउ दस द चार्जेस एक्वायर आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज्ड बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होते हैं उनके लिए, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रब किया जाता है तो पहली बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी पर आ जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन, इट जस्ट टेल अस दैट अनलाइक चार्जेस एक्वायर बाय द ऑब्जेक्ट्स न्यूट्रलाइज आर नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। Therefore, the charges were named as positive and negative Franklin. Okay, friends. तो अगर हम ये कहें कि जो unlike charge होते हैं किसी भी body के जो unlike charge होते हैं वो दोनों एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को neutralize कर देते हैं या nullify कर देते हैं, जिससे इन दोनों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और दोनों neutral हो जाते हैं। और इन चार्जेस का जो नाम है इसीलिए इनको एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कहा गया है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और
ये चार्जेस का नाम सबसे पहले अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के रूप में डिफाइन किया। पॉजिटिव नंबर टू अ नेगेटिव नंबर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड द सम इज जीरो। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जब हम सेम एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो और इन दोनों का हम सम फाइंड करते हैं तो जैसे इनका सम जीरो आता है, सेम उसी प्रकार से जब दो अपोजिट चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को एक दूसरे मिलाते हैं तो फिर ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, मीन्स एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके, दिस माइट हैव बीन द फिलॉसफी इन नेमिंग द चार्ज एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन ग्लास रॉड आर कैट फॉर इज कॉल्ड पॉजिटिव एंड दैट ऑन टर्म एंड नेगेटिव। तो अगर हम कन्वेंशन के रूप में ग्लास रॉड और कैट्स फर को देखें तो इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लास्टिक रॉड या फिर सिल्क में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। इसके अलावा यदि कोई ऑब्जेक्ट जिस पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा हो या इट इज से हम इलेक्ट्रीफाइड या फिर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो व्हेन इट हैज़ नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर उस पर कोई चार्ज नहीं है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये विद्युत विहीन है, मीन्स न्यूट्रल है। ओके, नेक्स्ट, अ सिंपल बॉडी इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इट कंजिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल आर मेटल रॉड हाउस्ड इन अ बॉक्स विद टू थिन ग्लास गोल्ड लीव्स अटैच टू इट्स बॉटम एंड। वेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल रोम एट द टॉप ऑफ द रॉड चार्ज फ्लो ऑन टू द लीव्स एंड दे डाइवर्स। द डिवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट, इसके लिए हम एक साधारण सा जो है अपैरेटस यूज कर सकते हैं चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले एक गोल्ड लीफ बॉडी, ओके, जिसमें एक वर्टिकल मेटल रॉड के अंदर फिट किया हो और जिसमें दो पतली सी गोल्ड लीव्स इसके तली से जुड़ी हो। तो अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट इस मेटल नॉब को टच करता है या उसके टॉप उस रॉड के टॉप सिरे को टच करता है तो चार्ज फ्लोज ऑन टू द लीव्स एंड है वो पत्तियों पर आ जाता है और इस प्रकार से चार्ज वहाँ से डाइवर्ज हो जाता है। एंड द डाइवर्जेंस एंगल ऑफ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इस प्रकार से उस पत्ती पर जो डाइवर्जेंस जितने एंगल का हुआ है उसे हम अमाउंट ऑफ चार्ज के रूप में नोट कर सकते हैं। ओके, लुक एट फिगर 1.2 विच इज गिवन इन योर बुक पेज नंबर 4। स्टूडेंट्स कैन मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप एंड फॉलोज द फिगर। टेक अ थिन एल्युमिनियम कर्टेन रॉड विद बॉल्स एंड फिटेड और हैंगिंग विद द कर्टेन। कट आउट ऑफ ए पीस लेंथ अबाउट 20 सेंटीमीटर with the ball at one end and flatten the cut end. Take a large bottle that can hold this rod and cork which will fit in the opening of the bottle. Make a hole in the cork sufficient to hold the curtain rod snugly. Slide the rod through the hole in the cork with the cut end on the lower side and ball end projecting above the cork. Okay, friends, एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप जैसा कि आप इस फिगर को देख करके सेट कर सकते हैं यानी बना सकते हैं, इसके लिए आपको एक पतली सी एल्युमिनियम के पर्दे लेने होंगे या पतली सी एल्युमिनियम का रॉड लेना पड़ेगा और जिसके एक सिरे पर एक बॉल फिट हो। ओके, इसके बाद करीब 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है,
इस बाल के एक सिरे पर बिल्कुल करते हैं। टेक अ लार्ज बॉटल दैट कैन होल्ड दिस रॉड एंड ए कॉर्क विच विल फिट इन द ओपनिंग ऑफ द बॉटल। अब इसके बाद एक बड़ा सा बॉटल, ठीक है, जिसमें कॉर्क भी लगा हो, इसमें हम इस रॉड को फिट कर देते हैं जैसा कि फिगर में दिया गया है। तो स्लाइड द रॉड थ्रू द होल इन द कार विद द कट एंड ऑन द लोअर साइड एंड बॉल एंड प्रोजेक्टिंग अबव द कार। तो इसके बाद उस रॉड को उस होल में धीरे धीरे फिट करके कार से बंद कर देना है इसके एक सिरे को, और इसका जो लोअर साइड है जिस पर एक बॉल ऐसे लटकता हुआ प्रतीत हो रहा है खुला रहे। इसके बाद हम एक पतली सी एल्युमिनियम सीट लेते हैं, करीब 6 सेंटीमीटर डायमीटर, 6 सेंटीमीटर लेंथ की, और इसके बीच में एक फ्लैट एंड ऑफ रॉड सेलुलर स्टेविक जो है चपटे टेप की सहायता से इसको बीच में, ओके। दिस फॉर्म द लीव्स ऑफ योर इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये बिल्कुल ये पत्ती आपकी इलेक्ट्रोस्कोप को इंडिकेट करती है। नाउ फिट द कॉर्क इन द बॉटल विद ए पेपर स्केल मे बी पुट इनसाइड द बॉटल इन एडवांस टू मेजर द सेपरेशन ऑफ लीव्स। द सेपरेशन इज ए रफ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप, ओके। इन फिगर 1.2 दिस इज द इलेक्ट्रोस्कोप। द सीमेटिक ऑफ ए सिंपल माई इलेक्ट्रोस्कोप आर गिवन, ओके। तो द सेपरेशन इज रफ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पे हम जो चार्ज की क्वांटिटी है उसका हम एक रफ मेजरमेंट इस इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।